नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिल्मी बीट पर। शहनाज सिद्धार्थ को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। शहनाज सिद्धार्थ को लेकर इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स को लेकर ये कंट्रोवर्सी सामने आई है। इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के सीईओ मिस्टर मोहम्मद, उन्होंने शहनाज सिद्धार्थ पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। शहनाज के बारे में उन्होंने काफी उल्टा सीधा बोला है, पैसों को लेकर बहुत सारी बातें बोली हैं, और जिस तरह से उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। आप सबसे पहले सुनिए इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के सीईओ मिस्टर मोहम्मद का ये जो इंस्टाग्राम पर लाइव आकर उन्होंने बोला था। तो इट डजंट मीन यार कि आप लोग पे टू डिमांड करो, ठीक है, यू आर एंटरटेनर, ऑल सपोर्टेड यू, सो एवरीवन, यू शुड थैंक एवरीवन के सबने तुम्हें सपोर्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मैनेजर से पैसे पूछे जाएंगे। बोल दो ना मैनेजर को कि नहीं जाना है भाई लाइव में, नहीं पीआर रश्मि देसाई, वी रेस्पेक्टेड हर, शी सेड लाइक अभी नहीं लाइव जाना है, सम प्रॉब्लम्स, ओके, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट, यू आर सेलिब्रिटी बॉस, यू टेक योर डिसीजन। Did she ask money? Did Himanshi ask money? Or did other celebrities ask money that हमें पैसे दो? Did Mahira ने पूछा पैसे? क्यों उनके followers नहीं है? वो क्या बैठे हुए घर पे ऐसे ही? मतलब वो celeb नहीं है? ये लोग तो मतलब I can say before Big Boss शहनाज को कोई नहीं जानता था। She should thank Salman sir first thing and she should thank Big Boss which she thanked already but still उसके बाद ये position मिला है, उसके बाद तुम जाके इतने ये वो करते हो, मत करो यार, this is like just a drastic drama. This is a drastic drama. मतलब you try to become an entertainer and you try to pretend like a small children and at last back of that you just tell your managers पैसे demand करो for what? आप सीधे बोल दो मुझे live नहीं जाना है तो थोड़ी हम आके बैठ जाएंगे वहाँ पे कि जाना ही जाना है, नहीं तो मेरा page नहीं चलेगा, awards नहीं चलेंगे, no, doesn't required at all. So don't go live. Instead of that demanding money, I am against this. ये आपका अवार्ड्स है, ये पब्लिक अवार्ड्स है, ये सेलिब्रिटीज का अवार्ड्स है, ये उनकी इज्जत है जहाँ पे सब सेलेब्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, वहां पे अगर 100 सेलेब में एक दो सेलेब निकल के बोलते हैं मुझे पैसे दो, वो भी अवार्ड भी है, पैसे भी है, ये भी है, वो आई एम अगेंस्ट दिस। सो फर्स्ट थिंग आई वुड टेल, आई एम गोइंग टू ड्रॉप नॉमिनेशन ऑफ शहनाज गिल राइट नाउ एंड शी इज बीन कैंसल्ड फ्रॉम द नॉमिनेशन ऑफ इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड एंटरटेनर ऑफ द ईयर। बहुत जल्दी बहुत अच्छे एंटरटेनर्स को हम ला रहे हैं ऑन बोर्ड, वी विल गेट अ ह्यूज एंटरटेनर्स बिहाफ ऑफ हर एंड शहनाज, इट वॉज अ गुड टाइम विथ यू बट होप आप किसी तरीके से नहीं टोके एंड यू विल बी अ गुड एंटरटेनर फॉर अस बट नॉट इन अ वे यू डिमांड मनी एंड यू से लाइक अवार्ड एंड मनी नो। थैंक यू सो मच शहनाज, इट वॉज अ गुड थिंग फॉर यू एंड विद गुड थिंग्स ड्रॉप एंड कैंसिल योर नॉमिनेशन राइट नाउ हियर एंड लाइव। उनके फॉलोअर्स अनफॉलो करो। सुना आपने उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज को लेकर क्या कुछ बोला है? शहनाज को लेकर तो उन्होंने काफी कुछ बोला है जो यकीनन काफी हैरान करता है। फिर इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के सीईओ मिस्टर मोहम्मद इंस्टा लाइव पर आए और उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो इस तरह से सिद्धार्थ और शहनाज इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के नॉमिनेशन से हटा दिए गए हैं, यानी कि उनका नाम जो है इस अवार्ड फंक्शन से हटा दिया गया है। और अब जरा आप ही सोचिए कि इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन और अचानक सीईओ का इस तरह लाइव आकर शहनाज और सिद्धार्थ के बारे में बोलना, पैसों को लेकर बात करना, ये कहां तक सही है? जबकि सब जानते हैं कि शहनाज को पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो पैसों के लिए कुछ नहीं करती है और कई बार तो वो फ्री में भी काम करती नजर आती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोर्सेस की माने शहनाज गिल ने अभी जो गाना सॉन्ग किया है, कह गई सॉरी, उन्होंने ये गाना फ्री में किया है, ऐसा सोर्सेस बताते हैं। लेकिन और अब ऐसे में एक बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है कि शहनाज ने पैसों की डिमांड की है, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला सवाल है जो कि शहनाज के ऊपर उठाए जा रहे हैं। वेल, बात करते हैं इंटरनेशनल अवार्ड के सीईओ मिस्टर मोहम्मद की। तो उन्होंने बहुत सारी बातें लाइव के दौरान आकर कही हैं, लेकिन उन्होंने इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया है। यानी कि शहनाज के मैनेजर की इंटरनेशनल अवार्ड के सीईओ मिस्टर मोहम्मद से क्या बात हुई है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वेल, जो भी हो, अचानक से इस तरह से बातें बोलना सिद्धार्थ और शहनाज के लिए यकीनन कहीं ना कहीं से नाम खराब करने वाली बात हो सकती है। वेल, आप सबका क्या कहना है इस पर आप हमें कॉमेंट करके फटाफट बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही।